हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सुनील कुमार फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीएचयू एंड यू आर वाचिंग एसएस ट्यूटोरियल्स। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फंगी, किंगडम फंजाई का सेकंड पार्ट, जिसमें कि एस्कोमाइसिटीज देखेंगे हम लोग, ड्यूट्रोमाइसिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे, एज वेल एज बैसिडियोमाइसिटीज। इससे पिछला वाला वीडियो जो था उसमें हमने फाइकोमाइसिटीज तक एनसीईआरटी का फुल डिस्कशन कर रखा है। चलिए शुरू करते हैं फ्रॉम एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी का कंप्लीट होगा, आपका एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का कवर होगा, इसलिए आप घबराइए नहीं, वीडियो अंतिम देखिए। सबसे पहले जो एस्कोमाइसिटीज है, इसको कॉमनली कौन सा फंगी बोलते हैं हम लोग? सैक फंजाई बोलते हैं कॉमनली। ठीक है, क्योंकि इसके रिप्रोडक्शन के दौरान एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसके कारण क्या बोलते हैं इसको हम? सैक फंजाई। ठीक है, इसके अलावा जो एस्कोमाइसिटीज है आपका, ये मोस्टली कैसा होता है? मोस्टली आपको देखने को मिलेगा मल्टी सेलुलर। ठीक है, क्योंकि फंजाई है मोस्टली मल्टी सेलुलर ही होता है, तो एस्कोमाइसिटीज भी मोस्टली मल्टी सेलुलर है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल हो जाएगा, मान लीजिए आपका पेनिसिलियम। ओके, पेनिसिलियम इज एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर एस्कोमाइसिटीज। तो मल्टी सेलुलर का एक एग्जाम्पल है एस्कोमाइसिटीज में, दैट इज सॉरी मल्टी सेलुलर काफी एग्जाम्पल, उसमें मैंने आपको एक दिया जो एनसीईआरटी में दिया है, पेनिसिलियम। इसके अलावा आपको यूनिसेलुलर भी देखिएगा। देखिए, फंजाई रेयरली यूनिसेलुलर होगा, क्योंकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हमने प्रोटिस्टा में रख दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है इस रिगार्ड में, यूनिसेलुलर आपको मिलेगा एस्कोमाइसिटीज में, जो कि फंजाई का क्लास है, और ये है आपका इस्ट, जिसको हम लोग साइंटिफिक नेम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस। ओके, उसके अगला आपको ध्यान रखना है कि ये जो एस्कोमाइसिटीज होते हैं भाइयों, दीज आर सेप्रोफाइटिक इन नेचर। ठीक है, ये सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, मतलब डेड एंड डिकेइंग मैटर पर भी जिंदा रहेंगे। कुछ इसमें से आपको डिकम्पोजर्स भी मिलेंगे, कुछ इसमें से आपको पैरासाइटिक भी मिलेंगे, पैरासाइट्स की तरह जो बिहेव करते हैं। कुछ इसमें से आपको कोप्रोफिलस मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, कोप्रोफिलस, कोप्रोफिलस का मतलब क्या है? ग्रोइंग ऑन द डंग, ग्रोइंग ऑन द डंग, ये कोप्रोफिलस का मतलब है। तो कुछ आपको कोप्रोफिलस भी मिलेंगे, तो ध्यान रखना, कोप्रोफिलस भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, डिकम्पोजर्स भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। ओके, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इनमें जो आपको माइसिलियम मिलेगा, मैंने आपको बताया था जब फंजाई का इंट्रोडक्शन वीडियो डिस्कस करा था, आपको सब में माइसिलियम को पता होना चाहिए, माइसिलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो एस्कोमाइसिटीज में आपको माइसिलियम देखने को मिलेगा, दैट इज ब्रांच्ड, ब्रांच्ड तो होगा ही होगा, साथ में ये सेप्टेट होगा, सेप्टेट होगा मीन्स सेप्टा प्रजेंट होगा। ठीक है, जैसे कि ये देखिए माइसिलियम है तो सेप्टा प्रजेंट होगा, ऐसे करके ये सेप्टा है। ठीक है भाइयों, चलिए तो ये ध्यान रखना आप, माइसिलियम बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ओके, इसके अलावा जो इसमें सेक्सुअल स्पोर्स होगा, सेक्सुअल स्पोर्स एस्कोमाइसिटीज के रिप्रोडक्शन का दौरान जो बनेगा, दैट इज नोन एज कोनिडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सेक्सुअल स्पोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? कोनिडिया बोलेंगे। और इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो कोनिडिया है, दिस कोनिडिया, ये प्रोड्यूस होता है कैसे? एक्जोजिनसली। ठीक है, एक्जोजिनस इसका प्रोडक्शन होता है, बात समझ आ रहा ना? और मतलब ये मान लीजिए आपके कोनोडियो फोर्स बोलते हैं इसको। ठीक है, तो एक्सोजिनस मीन्स बाहर, इसके बाहर ऐसे प्रोड्यूस होते हैं, मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे, कोई काम का नहीं है, ध्यान रखो कि सेक्सुअल स्पोर्स कौन से होते हैं, कोनिडिया, प्रोडक्शन कैसा है आपका? एक्सोजिनस प्रोडक्शन है इसका, और कहाँ होता है? स्पेशल माइसिलियम, दैट इज नोन एज कोनिडियो फोर्स। कोनिडियो फोर्स पर किसका प्रोडक्शन होगा? कोनिडिया का प्रोडक्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक टाइप का माइसिलियम ही है, एक टाइप का ये माइसिलियम ही है जिसके ऊपर एक्सोजिनसली प्रोडक्शन होता है किसका? कोनिडिया का। एक्सोजिनसली मीन्स बाहर, एंडोजिनसली मीन्स अंदर। ठीक है, चलिए इसके अलावा ध्यान रखना आपको सेक्सुअल स्पोर्स को क्या बोलते हैं? एस्को स्पोर्स। तो चूंकि एस्कोमाइसिटीज है तो सेक्सुअल स्पोर एस्को स्पोर्स ही होगा, हमने डिस्कस करूंगा मैं जब भी बैसिडियोमाइसिटीज, तो बैसिडियोमाइसिटीज में जो स्पोर्स मिलेंगे आपको वो सेक्सुअल स्पोर्स, जो उसको क्या बोलेंगे? बैसिडियो स्पोर्स। एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर्स होगा उनको क्या बोलेंगे? एस्को स्पोर्स। तो ध्यान रखना है सेक्सुअल स्पोर को एस्को स्पोर बोलते हैं, और जो आपका ए सेक्सुअल स्पोर्स है दैट विल बी नोन एज कोनिडिया। क्लियर भाइयों, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, इसके अलावा अभी एक पॉइंट और बोल दूं मैं एस्को स्पोर्स के बारे में, एस्को स्पोर्स इंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड सेक्सुअल स्पोर्स है। ठीक है, ध्यान रखना आप, कोनिडिया जो था वो एक्सोजेनसली प्रोड्यूस था, वो एसेक्सुअल स्पोर्स था, और जो आपका एस्को स्पोर्स है ये सेक्सुअल स्पोर है और ये इंडोजेनसली प्रोड्यूस है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना आप। इसके अलावा आपको यदि फ्रूटिंग बॉडी पूछा जाए तो सिंपल एस्कोमाइसिटीज है, तो फ्रूटिंग बॉडी क्या होगा इसका? एस्को काप्स होगा। बैसिडियोमाइसिटीज होता तो बैसिडियो काप्स होगा उसका, सिंपल सा है। अब आइए अब इसके एग्जांपल पर आते हैं हम लोग। तो एग्जांपल में क्या क्या है इसके, ध्यान सुनेगा, पहला एग्जांपल है एस्परगिलस। ठीक है, जो सेकेंड एग्जाम्पल इसको आपको याद करना होगा क्लेबिसेप्स।
थर्ड एग्जाम्पल जो होगा न्यूरोस्पोरा, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ओके, क्योंकि न्यूरोस्पोरा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो न्यूरोस्पोरा है, दिस न्यूरोस्पोरा, एंथेटिक लाइन में पढ़ रहा हूँ, धीरे शांत से सुनिएगा। न्यूरोस्पोरा इज यूज एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, जेनेटिक वर्क में काफ़ी यूज करते हैं हम लोग न्यूरोस्पोरा को, ठीक है ना। इसी कारण से इसको हमने इसमें रखा है, बात समझ आ रहा है ना। इसके अलावा एस्परगिलस है और क्लेविसेप्स, इन सब का ट्रिक आपको मिल जाएगा, ठीक है। ट्रिक मैंने अपलोड कर चुका हूँ पहले भी, या बाद में भी कर दूंगा, उसके घबराना नहीं आपको, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे आप। इसके अलावा एस्कोमाइसिटीज में हम लोग और भी कुछ मेंबर्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे कि हो गया मोरिल्स हो गया, जैसे कि आपके स्टफेल्स हो गया, ये क्या है, ये एडिबल है, ठीक है, ये एडिबल एस्कोमाइसिटीज। तो ध्यान रखना, ये भी पूछा गया नीट में कि एडिबल एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल बताओ, तो आप देखना जो भी ऑप्शन में जैसे मोरिल्स और टफेल्स लिखा होगा उसको टिक कर सकते हो आप, ठीक है। तो एस्परगिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा, मोरिल्स एंड टफेल्स, सो दिस इज ऑल अबाउट योर एस्कोमाइसिटीज। चलिए अब मूव ऑन करते हैं हम लोग बेसिडियोमाइसिटीज की तरफ। अब मैं सभी से मेरा रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो देखने के बाद एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना आप, ठीक है, सारा सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, कॉमनली नोन फॉर्म्स ऑफ बैसिडियोमाइसिटीज आर मशरूम्स, सबसे जो कॉमन बैसिडियोमाइसिटीज मिलता है वो कौन सा आपका, मशरूम है, ठीक है। या मशरूम मिलेगा आपको, साथ में आपको ब्रैकेट फंजाई मिलेगा, ठीक है, जो कॉमन फॉर्म्स ऑफ बैसिडियोमाइसिटीज बता रहा हूँ आपको, मशरूम होगा, ब्रैकेट फंजाई होगा, एज वेल एज पफ बॉल्स होगा, कौन होगा, पफ बॉल्स होगा, ठीक है भाइयों। तो ये मिलेगा मशरूम्स होगा, ब्रैकेट फंजाई होगा, पफ बॉल्स होगा, ये कॉमन फंजाई मिलेंगे बैसिडियोमाइसिटीज में एग्जाम्पल में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि भाई जो ये बैसिडियोमाइसिटीज होते हैं ये कहाँ ग्रो करते हैं, तो सॉइल में ग्रो करेंगे आपके, या ट्री स्टम्प्स पर ग्रो करेंगे, ठीक है, या लिविंग प्लांट बॉडीज में भी पैरासाइट्स की तरह भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। पैरासाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है बैसिडियोमाइसिटीज केस में, क्योंकि इससे दो फेमस डिजीज होता है, रस्ट एंड स्मट, ठीक है, आपको पता भी होगा, दो फेमस डिजीज आप पढ़ते भी हो रस्ट और स्मट के बारे में, तो रस्ट और स्मट दो फेमस डिजीज है जो कि बैसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स के कारण होता है, क्लियर भाइयों। चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, अब इसका भी देखते हैं हम लोग माइसीलियम के बारे में। चलिए, तो इसके भी माइसीलियम वही है, ब्रांच्ड एज वेल एज सेप्टेट, ठीक है। इसको माइसीलियम भी देखा हमने कैसा था, उसका माइसीलियम ब्रांच था एंड सेप्टेट था, इसका भी माइसीलियम कैसा होगा आपका, ब्रांच्ड एज वेल एज सेप्टेड, क्लियर भाइयों। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, माइसीलियम सबका ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब देखिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ उसके लिए, ठीक है। ये येलो येलो ठीक नहीं आएगा, रुक जाइए, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, ठीक है, स्टार लगा लीजिए इसको। जो बैसिडियोमाइसिटीज आपका, बैसिडियोमाइसिटीज में ए सेक्सुअल स्पोर्स नहीं मिलते, ठीक है, ए सेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन बैसिडियोमाइसिटीज, इसको जितनी बार अच्छे से आप ध्यान रख सको उतना अच्छे से ध्यान रखो आप, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड इन दिस क्लास, दैट इज बैसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगे आर जनरली नॉट फाउंड इन दिस क्लास, ठीक है ना। लेकिन वेजिटेटिव प्रोडक्शन होगा, एसेक्सुअल प्रोडक्शन एसेक्सुअल स्पोर्ट्स के कारण नहीं होगा, लेकिन वेजिटेटिव प्रोडक्शन होगा। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है मेनली वो किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन के हेल्प से, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन इज द मोस्ट कॉमन वे फॉर द बैसिडियोमाइसिटीज, तो आपको ध्यान रखना है। एसेक्सुअल स्पोर्स तो जनरली क्या है, अब्सेंट है यहाँ पर, लेकिन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को यहाँ पर आसानी से आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए ये पॉइंट आप काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है इसमें, ठीक है ना भाई। चलिए इसके अलावा आपको यहाँ पर बस जो सेक्सुअल स्पोर्ट्स है वो क्या होगा, बैसिडियो स्पोर्ट्स, मैंने बताया था आपको एस्कोमाइसिटीज में एस्को स्पोर्ट्स था, इसमें होगा बैसिडियो स्पोर्ट्स। और एस्को स्पोर्ट्स कहाँ कैसे प्रोड्यूस हो रहा था, इंडोजेनसली, जबकि बैसिडियो स्पोर्ट्स कैसे प्रोड्यूस होगा, एक्सोजेनसली, ठीक है। तो इस सबको छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको अच्छे से आप ध्यान रखोगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। इसके अलावा इसका फ्रूट बॉडीज क्या होगा, मैंने बताया था एस्को मैसिडीज में एसिडियो स्पोर्ट एस्को कार्प्स था, इसमें क्या होगा, बैसिडियो कार्प्स हो जाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज, सिंपल सा कोई कार्प लगा देना आपको, बस उसको दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, एगेरिकस डेट इज मशरूम, उस्तिलेगो दैट इज स्मट इसी का होता है, ओके, एंड पक्सिनिया दैट इज योर रस्ट फंगस, जो रस्ट में डिजीज बात कर रहा था वो इसी कान होता है यहाँ पर, ठीक है।
ठीक है, तो आग एगरिकस पुस्टिलेगोन पक्सिनिया। तो ध्यान रखना बेसिडियोमाइसिटीज के द्वारा कारण ही स्मॉट एंड रस्ट आपको देखने को मिलता है। इन सब का ट्रिक्स डिस्कस कर रखा हूँ मैं पहले, तो आप उन ट्रिक्स को जाकर देख सकते हो प्लेलिस्ट ट्रिक्स फॉर बायोलॉजी में। चलिए एग्जांपल्स के ट्रिक्स में बात कर रहा हूँ। अगला लास्ट जो है अपना इसमें ड्यूट्रोमाइसिटीज। ओके चलिए ड्यूट्रोमाइसिटीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं अपन को, ठीक है, हर एक पॉइंट पर डिस्कस कर लेना। सबसे पहले जो कॉमन क्वेश्चन आता है ड्यूट्रोमाइसिटीज के बारे में कि इसको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई। ड्यूट्रोमाइसिटीज क्या बोलते हैं हम लोग, इम्परफेक्ट फंजाई। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोलते हैं ये भी पूछा जाता है, तो क्योंकि इसमें जो सेक्सुअल फेज होता है वो क्या होता है, अब्सेंट। ठीक है, सेक्सुअल फेज क्या होता है, अब्सेंट। ओके, इसमें जो ड्यूट्रोमाइसिटीज है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज मिलेगा। ठीक है, ए सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज के अलावा इसमें और कुछ नहीं मिलेगा। ध्यान रखना आपको सिर्फ यहाँ पर ए सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव फेज मिलता है। सेक्सुअल फेज क्या होगा, कम्प्लीटली अब्सेंट होता है ड्यूट्रोमाइसिटीज के केस में, इसलिए हम ड्यूट्रोमाइसिटीज क्या बोलते हैं हम लोग, इम्परफेक्ट फंजाई। ध्यान रहेगा आपको, ये सबसे पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चलिए उसके अलावा आपको इसमें ध्यान रखना है कि यदि मान लीजिए इसमें कहीं पर भी ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोई सेक्सुअल फॉर्म यदि डिस्कवर होता भी है तो उसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं एस्कोमाइसिटीज या बेसिडियोमाइसिटीज क्लासेस में। ठीक है, एसलेंसरी क्या लिखती है, ध्यान सुनिएगा। When the sexual forms of this fungi are discovered, they were moved into classes they tightly belong to. Okay, it is also possible that asexual and vegetative stage have been given one name and placed under deuteromycetes. सही है ना? Sexual forms वाले को हम ascomycetes और basidiomycetes में रखते हैं, और जो asexual phase या vegetative phase जिसमें सिर्फ मिलता है वो उसको हम लोग कहाँ रख देते हैं, deuteromycetes में। ठीक है, चलिए next point about this is, मान लीजिए आपका ड्यूट्रोमाइसिटीज सिर्फ एक्सेसुअल रिप्रोडक्शन करेगा, इसमें सेक्सुअल स्पोर्स क्या होंगे, कोनिडिया। याद कीजिए कोनिडिया ही एक्सेसुअल स्पोर्स किस में थे आपके, एस्कोमाइसिटीज में। देखिए एस्कोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्पोर क्या था, कोनिडिया। बेसिडियोमाइसिटीज में एक्सेसुअल स्पोर्स अब्सेंट थे, ड्यूट्रोमाइसिटीज में सिर्फ एसेक्सुअल स्पोर ही मिलेगा, दैट इज अगेन कोनिडिया। तो याद रखने में आपको काफ़ी आसानी होगा इस तरीके से। ठीक है भाइयों, चलिए अब इसके माइसिडियम के बारे में बात करें, ये भी ब्रांच होगा एंड सेपरेट होगा एस्कोमाइसिटीज से लेकर ड्यूट्रोमाइसिटीज तक। ये भी आप ध्यान रखना, माइसिलियम के बारे में एस्कोमाइसिटीज से लेकर ड्यूट्रोमाइसिटीज तक जो है ब्रांच एंड सेपरेट है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके मैक्सिमम जो बहुत सारे मेंबर्स कैसे हैं, सेप्रोफाइट्स है। ठीक है, सेप्रोफाइट्स है, ये काफ़ी डिकम्पोजर्स इसमें मिलते हैं, और डिकम्पोजर्स किस में हेल्प करते हैं आपके, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। ठीक है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में डिकम्पोजर्स का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि ड्यूट्रोमाइसिटीज आपके न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में हेल्प कर रहा है। और इसके एग्जांपल्स का मैं ट्रिक अपलोड कर रखा है, आप देखिए प्लीज जाकर। ठीक है, ट्रिक फॉर बायोलॉजी टर्नेरिया कोलेटोट्राइकम फैलकेटम, ठीक है, जो रेट ऑफ रॉट ऑफ शुगर कैन आता है, और ट्राइकोडर्मा। प्लीज जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, ट्राइकोडर्मा अल्टरनेरिया कोलेटोट्राइकम। तो ये था आपका फंजाई का डिस्कशन पूरा। सो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन दबाना तो बनता ही है, यदि कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है एनसीईआरटी सीरीज। सो थैंक यू वॉचिंग, बेस्ट ऑफ।